आरा में देखिए क्या है, बेरोजगारी है यहाँ पर। इतना लड़का मतलब कि तैयारी करता है, आरा में कुछ नहीं है। आरा में बहुत चीज बा, आरा में कंपटीशन बहुत तगड़ा बा। आरा में बहुत सारा ऐसा चीज बा जो हमनी के रेलवे माल गोदाम पर काम करते नहीं जाए। एजा से माल गोदाम जाए के सूचना मिलल बा कि माल गोदाम यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ पर हर काम सुविधा से हो रहा है और सुविधा से नहीं हो रहा है, लेकिन हमको वहाँ पर जाने में असुविधा लोक रहा है। और डिस्ट्रिक्ट हमारा आरा है, तो आरा में तो पहले हम बताएं एक लिट्टी चोखा है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आरा में सब कुछ बा। आरा में काबा। जैन कॉलेज में जॉब की तैयारी कर रहे युवाओं ने कहा कि हमारी एज एक्सपायर हो रही है और वैकेंसी का हाल आप जानते हैं, हमारे भारत में क्या है। फिर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम आरा में काबा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे आरा में काबा। अच्छा बताइए आरा में काबा। आरा में देखिए क्या है, बेरोजगारी है यहाँ पर। इतना लड़का मतलब कि तैयारी करता है कंपटीशन का, 14 के बाद इतना स्थिति खराब चल रहा है कि कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। आ रहा है भी वैकेंसी तो 4-5 बरिस पा रहा है, और उसको कंप्लीट करने में 4-5 साल लग जा रहा है। तो कितने सालों से क्यूज करते हैं? हम तो 2012 से हैं। 14 के पहले जितना भी कांग्रेस के समय वैकेंसी आया उस समय मेरा रिजल्ट आ रहा था। अब तो ये ऐसा कर दिया ना कि हम लोग का सिलेबस ही आउट ऑफ कवरेज से कर दिया है सिलेबस। अब कितने दिनों तक यूज करते रहेंगे? अब लास्टली है, लास्टली है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि समय पे हमारे जो पीछे जो पीढ़ी है, आने वाला पीढ़ी आगे, इन लोग का भी ध्यान सरकार को देना चाहिए। हम लोग का तो मतलब एज एक्सपायर हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मनोरंजन कुमार। तो और लोग हैं, उनसे जानेंगे आरा में काबा। अच्छा बताइए आरा में काबा। आरा में कुछ नहीं है, एक हिसाब से आरा में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत स्थिति खराब है। यहाँ पर स्टूडेंट का तो सबसे पहले बहुत स्थिति खराब है, बुझे। कोई भी वैकेंसी आता है उसको कंप्लीट होने में 4-5 साल लग जाता है। देखिए हम स्टेट पास किए हैं, 2019 में वैकेंसी आया था, उसको अभी तक उस पर ऐसा ही चल रहा है, ठेकदम चल रहा है, बुझे। कितने सालों से क्यूज कर रहे हैं आप? हम यहाँ से 2013 से ही क्यूज कर रहे हैं। 2013 से कर रहे हैं, हाँ। अभी तक नौकरी नहीं मिली ना? अभी तक हर घड़ी एक नंबर दो नंबर के लिए आदमी छोड़ दे रहा है। अब क्या करेंगे आगे? अब आगे क्या करेंगे, तैयारी कर रहे हैं, स्टेट दिए हैं एग्जाम, स्टेट में रिजल्ट भी आया, लेकिन सरकार हम लोग को बांट दिया है मेरिट और नॉट मेरिट में। यही सब झमेला चल रहा है, डेली पटना में लाठी आदमी खा रहा है जा जाकर, यही सब झमेला चल रहा है इसमें। क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार। और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे आरा में काबा। अच्छा बताइए आरा में काबा। अच्छा बताइए आरा में काबा। आरा में बहुत चीज बा, आरा में कंपटीशन बहुत तगड़ा बा, या फिजिकल वर्क होके या स्टडी वर्क होके, ठीक ना। ये जो कोरोना के लेके बिहार पुलिस के मामला रहल कि हमनी के बहाली कैंसिल हो गई, तो ये कैंसिल बहाली के कोनो पार्टी कंपटीशन में ना बतैलस कि माने का है कैंसिल भइल। यूपी में अभी चुनाव बा, तो माने आरा में का नहीं है, बहुत चीज बा, कंपटीशन लेके करत करत दौड़त दौड़त सब लेके थक गिल। आरा स्टेशन मालगोदाम के मजदूरों ने कहा कि हमारे 3 बस्ती के 350 मजदूरों की रोजी रोटी गायब होने वाली है, क्योंकि यहाँ से मालगोदाम कुल्हिया में जाने वाला है, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी होगी। साथ है कुछ लेबर लोग बा, इनका लोग से जाना हम आरा में काबा। अच्छा बताइए आरा में काबा। आरा में बहुत सारा ऐसा चीज बा जो हमनी के रेलवे माल गोदाम पर काम करते नहीं जाए। एजा से माल गोदाम जाए के सूचना मिलल बा कि माल गोदाम यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ पर हर काम सुविधा से हो रहा है और सुविधा से नहीं हो रहा है, लेकिन हमको वहाँ पर जाने में असुविधा लोक रहा है। वहाँ पर हमारा काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकार हम लोगों को कोई प्रमाण पत्र दे या कोई तरह की सुविधा हमको दे कि वहाँ पर जाकर हम लोग काम करें। काम करते हैं, इससे परिवार चल जाता है? हाँ परिवार चल जाता है। क्या परेशानी होती है यहाँ पे? परेशानी भैया, परेशानी यही है कि यहाँ से जाएगा काम तो हम लोग को वहाँ जाने में बहुत परेशानी होगी। यहाँ पे है नज़दीक में घर है, कमा ले रहे हैं, कमा के अपना रोजगार करके पूरा परिवार चला रहे हैं, उसमें बच्चों का एजुकेशन है, शिक्षा उक्षा सब है। अब इतना दूर जाएंगे कमाने के लिए तो कुछ टाइम पे नहीं हो पाएगा। कहाँ जाने वाले हैं आप लोग? कुल्हड़िया जा रहा है। कुल्हड़िया जा रहा है।
जी भैया। तो वहाँ से आने जाने में परेशानी होगी? अब आने जाने में तो परेशानी होगी। अच्छा बताइए क्या परेशानी होती है? भैया को पास लगाइए। अच्छा बताइए क्या परेशानी होती है? वही परेशानी बैठे और दूसरा कोई परेशानी नहीं है। जैसे में? जैसे में देखते बने कि गर्दा से हमने के इतनी जुड़ल बनी जाए आ बहुत दिन से हमने के काम करते हैं। आज से ना बाप दादा सब गुजर गुज आ अब नया पैमाने होता था कि माने माल गोदाम में जैसे हटी वही के परेशानी बैठे और कोई परेशानी नहीं थे। अच्छा ये पलदारी आप लोग करते हैं इससे परिवार चल जाता है? चल जाता है। चल जाता है। अच्छा चल जाता है। अब समस्या है कि यहाँ से जो माल गोदाम हट रहा है उसे परेशानी है। क्या नाम है आपका? जगजीवन राम। अच्छा बताइए क्या परेशानी होती है? परेशानी क्या है? परेशानी आर के सिंह जी जो बानी विधायक अच्छे मंत्री जी अच्छे काम करता नहीं लेकिन आरा खाते शहर खाती लेकिन हमने के जो ये आज मजदूर के लिए जो आज तीन पीढ़ी से जी आदमी खटतन दादा खटलन बाबूजी खटलन हमने के खटत जा ऐसे हमने के पूरा परिवार के बने तीन गो महल्ला के पूरा परवरिश चलत रुवे शिक्षा से लेके खाना दाना हर चीज़ चलता। तब ये हम कि मंत्री जी से कि हमनियों के बारे में सोची डीएम साहब सोचस रेलवे पदाधिकारी सोचे कि अगर कुल्हड़िया जाता तो हमने के कुछ उपाय दस कुछ सुझाव दस कुछ पहचान दस ताकि जियो हमने के रोजगार बरकरार रहे ऐसे कि यहाँ 350 आदमी के पेट पर लात मरा रहा बड़ू है। तो मंत्री महोदय से चाहे डीएम साहब से हमारा ये अनुरोध बा कि हमने के कुछ साधन ए जी से जब जाए तो वजी कुछ हमने के मिले चाहे पहचान मिले या हमने के कोनो कागज ऐसा मिले कोई जी हमने के 350 आदमी ओ जियो करस ए जियो के आदमी करस दो सीट पर अगर सुनने में आता कि काम हो ही तो बहुत अच्छे बोले कि ओ जियो करस कुल्हड़ियो करस और के लेबर करस। आरा विकास कितना करत बा? आरा विकास तो बहुत करत अड़ुए आर के सिंह ऐसा बात नहीं है विकास बहुत हो रहा बा लेकिन खाली खास करके माल जाए से ही 350 आदमी के समझ ली कि कम से कम बहुत बेरोजगारी इतना बेरोजगारी हद से नीचे गिर जाएगा ना कि आप कहिए मत। हम लोग का मांग है कि यहीं रहना चाहिए। क्या 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 बोलिए बोलिए। हम लोग का मांग है कि यहीं रहना चाहिए यहाँ रहेगा तो हमारा बाल बच्चा परिवार सब कोई भी मान लीजिए कि तबीयत खराब हुआ चाहे कुछ भी हम सुनते हैं तो वहाँ भी जाकर अपना में मेंटेन कर वहाँ से अपना घर चले जाते हैं देखभाल कर लेते हैं और यहाँ से जाएगा तो बहुत दिक्कत है। परेशानी है? हाँ परेशानी है। क्या नाम है आपका? हमारा रवि। वहीं युवाओं ने कहा कि आरा में लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है। सब है आरा में पर रोजगार नहीं होने से बेरोजगार हैं। सालों से तैयारी कर रहे हैं पर वैकेंसी आता है परीक्षा होता है फिर कैंसिल हो जाता है। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है तो और हमारे भैया जी लोग बताएंगे। अच्छा बताइए आरा में का बा? आरा में सब कुछ बा। हम लोग 2017 तैयारी कर रहे हैं अभी तक हम लोग का असफलता मिला सफलता अभी तक नहीं मिला और बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। तो सरकार से मांग करना क्या चाहते हैं? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग के सख्त से सख्त हम लोग का जॉब देने कम करें। अपना पूरा नाम बता दीजिए। राकेश कुमार सिंह।